वेलकम टू वाव ट्रेवल्स गाइस, और मैं हूँ समर। एक और टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं, जो है कि क्या पासपोर्ट पे आप करेक्शन कर सकते हो। अगर आपको नेम करेक्शन करना है, मम्मी का नाम करेक्शन करना है, डैडी का नाम करेक्शन करना है, कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई आपके पासपोर्ट में, अगर आपको कुछ भी करेक्शन आपके पासपोर्ट पे करना है, तो हम उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमें क्या करना होता है पासपोर्ट में, अगर कुछ भी चेंजेस हमको करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या प्रोसीजर होता है चेंजेस का, क्या हम दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, और कब हम चेंजेस कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि पासपोर्ट में अगर आपको एक वर्ड भी चेंज करवाना है, अभी फ़िलहाल जो रूल्स है, अगर आपको एक वर्ड भी चेंज करवाना है तो सारा प्रोसीजर जो पासपोर्ट ऑफिस का होता है वो सेम होता है। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप पासपोर्ट ऑफिस गए, आपने आपका पासपोर्ट दिया, वहाँ पे आपने राइटिंग में लिख के ले लिया कि ये करेक्शन है और ये करेक्शन करके दे दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एग्जैक्टली होता क्या है, सी जब भी आपको कोई भी करेक्शन पासपोर्ट में करना है तो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना इज कंपलसरी। जब तक कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं लोगे, वो आपको वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। सो आपको आपका पासपोर्ट जो है वो रीइशू कैटेगरी में सबमिट करना पड़ता है, देन यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर पासपोर्ट ऑफिस। सो ये प्रोसीजर के थ्रू जो आपने फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बनाने के लिए किया होगा, या अगर आपने रिसेंटली 2012 के बाद में कभी भी पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन दिया है और आपका वो सारे प्रोसेस से पासपोर्ट आया है, सो समझ लेना कि अभी भी आप जो करने वाले हो उसका भी प्रोसेस सेम रहेगा। अब मेन है कि क्या हम चेंज कर सकते हैं और क्या चेंज नहीं कर सकते। सो यस, हम हमारा डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, हमारा नाम चेंज कर सकते हैं, हम हमारे पेरेंट्स का नाम चेंज कर सकते हैं, स्पाउस का नेम चेंज कर सकते हैं, जितने चाहे चेंजेस उतने कर सकते हैं, बट कंडीशन अप्लाई। अब एग्जांपल समझिए कि सपोज़ आपका जो है पासपोर्ट पे एक नेम है, अब आपको लगता है कि जो आपका नाम है, आपका नाम है, आपके डैड का नाम नहीं, ना आपके जो सरनेम है उसकी बात नहीं कर रहा, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका नाम की। तो सपोज आपका नाम है समर, ओके, समर का जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग हुआ है और सरनेम पटेल है, बट उसकी जगह पाटिल हो गया, तो ये मिस्टेक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप इस मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हो, जो समर का स्पेलिंग गलत हुआ है और जो पाटिल का स्पेलिंग गलत हुआ है वो आप करेक्शन कर सकते हो। उसके लिए आपके दो आईडी प्रूफ होना कंपलसरी है, मतलब जो करेक्टेड नेम है उसके दो आईडी प्रूफ होना कंपलसरी है, प्लस आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी देना है कि आपका जो करेक्शन है, जो ओल्ड पासपोर्ट पे नेम था, जो ओल्ड स्पेलिंग थी वो ये थी और न्यू स्पेलिंग जो है वो ये है, ऐसा करके आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, तो ही वो करेक्शन पॉसिबल है। नाउ कंडीशन टू, अगर हम बात करते हैं कि जो मेरा डैड है, डैड का जो स्पेलिंग है उनके डॉक्यूमेंट में कुछ अलग है और आपके डॉक्यूमेंट में कुछ अलग है, तो वो आपको सेम करवा के लेना है। रीज़न, एनआरसी अभी आ रहा है, एनआरसी के बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर आपका नाम कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो कंसीडर नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि आपके वो दो अलग अलग आदमी है, तो आपके जितने स्पेलिंग वगैरह सारी चीज़ें करेक्ट करना है तो वो आपको करेक्ट करवा के ले लेना है। नाउ मैंने पहले अपने नाम के करेक्शन की बताया कि अगर मेरा नाम करेक्ट करना है तो दो प्रूफ मुझे दिखाना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस, तो ही ये बुकलेट जो है कैंसिल होगा, नया बुकलेट पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू आएगा। एक बात और जान लीजिए कि जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हो और नेम करेक्शन होता है या कोई भी पासपोर्ट में करेक्शन होता है अपार्ट फ्रॉम द एड्रेस, अगर आपने एड्रेस चेंज किया है तो ठीक है, वेरिफिकेशन तो होगा, बट उस केस में क्या होगा, पोस्ट वेरिफिकेशन होगा, मतलब बाद में आपका वेरिफिकेशन होगा।
अब अगर आपने नाम चेंज किया है तो नाम चेंज में पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, बाद में आपको पासपोर्ट आएगा। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन का जो चीज़ है वो भी आप समझ लीजिए। सेकंड, अगर आपको अभी डैड का नाम चेंज करना है, सपोज़ आपके डैड के नाम में स्पेलिंग करेक्शन है, आपके जो डैड का जो नाम था उसमें स्पेलिंग में ऊपर नीचे है या कुमार लग गया या कोई टाइटल लग गया जो होना नहीं चाहिए था और वो आपको करेक्ट करवाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो सिमिलर केस है, आपका जो डैड का नाम है उसके सही डॉक्यूमेंट दो प्रूफ, एटलीस्ट दो आईडी प्रूफ होना चाहिए करेक्ट नाम के, प्लस आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना है कि पुराना स्पेलिंग ये था और नया स्पेलिंग ये है, ऐसा आपको एडवर्टाइजमेंट देना है, तो ही आपके डैड का नाम करेक्शन हो सकता है, अदरवाइज करेक्शन नहीं होगा। अब सेम समझिए, आपकी मम्मी का नाम आपको करेक्शन करना है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो अगेन पेपर एड कंपलसरी है, एडवर्टाइजमेंट देना आपको कंपलसरी है, या अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं तो गैजेट भी चल जाता है करेक्शन के लिए, जो राज्य पत्र है जो गवर्नमेंट का प्रूफ है वो भी अगर आपके पास में होता है, और दो आईडी प्रूफ करेक्ट नाम के, ये कंपलसरी है गाइस, दो डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए तभी वो कंसीडर करेंगे, नहीं तो नहीं कंसीडर करते। सो ये चीज़ आपको समझ गया, मम्मी का नाम चेंज करवाना है दो आईडी प्रूफ ले लीजिए करेक्ट, और आपका जो नेम चेंज का प्रूफ है वो ले लीजिए। डैडी का नेम चेंज करवाना सेम, आपका नेम चेंज करवाना है वो भी सेम। सो व्हेन यू हैव टू चेंज योर नेम तभी आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ का वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इससे पहले मैंने कर दिया है कि डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगता है, दैट इज़ ऑल्सो टर्म्स एंड कंडीशंस पासपोर्ट ऑफिस के है, जो मेरा वीडियो है वो आप मेरे चैनल पर चेक कर लीजिए। रही बात स्पाउस नेम, स्पाउस नेम में भी सेम चीज़ें होती है, तो जब भी कोई भी करेक्शन अगर आपको लगता है कि आपके मम्मी का नाम भी गलत है, आपके डैडी का नाम भी गलत है और आपका नाम भी गलत है, और आप तीनों का नाम करेक्ट करना चाहते हो, तो मेक श्योर करना कि तीनों के जो प्रूफ है वो दो आईडी प्रूफ कम से कम होना चाहिए। अब आईडी प्रूफ में कौन कौन से चलते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या बैंक पासबुक, ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये चल जाते हैं नेम चेंज प्रूफ के लिए। लाइट बिल भी चल जाता है, वो कंसीडर कर लेते हैं, टैक्स रिसीट जो होता है वो भी चल जाता है, तो दो प्रूफ एटलीस्ट होना चाहिए नए नाम के, तो दे'ल कंसीडर इट। सो आई होप नाउ कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप पासपोर्ट में करेक्शन कर सकते हो, एंड ऑल्सो द अंडरस्टैंड दिस कि कुछ भी करेक्शन हो आपका पासपोर्ट पूरे प्रोसीजर के थ्रू जाएगा और एक नया बुकलेट आएगा, आपका जो ये पासपोर्ट है इसमें करेक्शन होके नहीं आएगा, एक नया बुकलेट इश्यू होगा और वो नया बुकलेट आप को यूज़ करना है आपके ट्रैवल के लिए। अंडरस्टूड? सो अगर आपको फिर भी कोई इश्यू है, कोई डाउट है, तो नंबर है स्क्रीन पे, आप हमारी कंपनी को कॉल कीजिए, हमारा टेलीकॉलर सपोर्ट है, आपको कोई ना कोई सपोर्ट कर देगा ये चीज़ों के लिए। अगर आपको पासपोर्ट हमसे बनवा के लेना है तो आप वो भी कर सकते हो, नंबर पे कॉल कीजिए और कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेगा, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन भेज सकते हो और पेमेंट जो है वो भी ऑनलाइन कर सकते हो। हमने टोटल 15,000 के ऊपर पासपोर्ट किए हैं और हम पासपोर्ट ही बनाते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हो, तो डोंट हेसिटेट टू कॉल अस। इन द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर द लव।